अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन टिप्स। दोस्तों मेरा नाम इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपन टिप्स। दोस्तों आज हम आपको मोबाइल फ़ोन के 5 ऐसे खुफिया सेटिंग बताने वाले हैं जो कि यकीनन आप नहीं जानते होंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से ऐसी 5 सेटिंग है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के नंबर 1 पर जिस सेटिंग हमने जगह दी वो बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है। दोस्तों अगर हम कोई भी ऐप्स अपने मोबाइल के प्ले स्टोर या गूगल से डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह लिखा जाता है कि ऐप नॉट इंस्टॉल, तो उसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आने के बाद नीचे आ जाना है आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, फाइंड माई डिवाइस और गूगल प्ले प्रोटेक्ट। तो आपने गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो है आपने क्या करना है, यहाँ जो ऊपर मेरी सेटिंग है मैं अच्छा आपके ये जो दो ऑप्शन है नीचे भी यहाँ पर भी हो सकते हैं नीचे, तो उसको ये जो है स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट एक तो ये है, दूसरे नंबर पर इम्प्रूव हार्मफुल ऐप्स डिटेक्शन। तो जो ये ऊपर वाला है स्कैन ऐप्स विद प्ले प्रोटेक्ट इसको आपने ऑफ कर देना है तो आपकी जो ऐप्स है वो इंस्टॉल होगी। और उसके बाद दोस्तों इसको आपने ऑन कर देना, इसको आपने हमेशा ही ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना। इससे दोस्तों क्या होगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन होती है इसको गूगल 24 घंटे स्कैन और स्क्वायर करता रहता है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन की नंबर 2 पर जिस सेटिंग को हमने जगह दिया दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग सेटिंग है। दोस्तों वो ये है कि कभी कभी ऐसा है कि होता है कि आप जो है अपने मोबाइल को लाग लगा के भूल जाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आपके साथ शख्स बैठा हो आपका लाग जो है देख लेता है। तो आपको एक मैं ऐसी ऐप्स बताने वाला हूँ जो कि आप कभी ना उसको भूलेंगे हो या ना उसको कोई खोल पाएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि वो सेटिंग कहाँ पर है। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन के जो है प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड। इसको जो है आपने डाउनलोड कर देना है, ये 15 MB की है। तो इसको मैं यहाँ से जो है इंस्टॉल कर देता हूँ, ये छोटी सी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर वेट करना होगा इसको। तो ये देखिए दोस्तों जो हमारी जो एप्लीकेशन वो इंस्टॉल हो गई है। अब इसको यहाँ से जो है ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर जो है परमिशन मांगेगा तो इसको यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जो है दोस्तों इनेबल लॉक इसको आपने इनेबल कर देना है। यहाँ से फिर जो है अलाउ मांगेगा तो यहाँ पर जो है नीचे इसका यहाँ इसका ऐप जो है यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं। तो अब जहाँ पर जो दोस्तों ये आपसे कोई रिकवरी आंसर पूछेगा तो कोई भी आप दे देंगे, यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये दे देता हूँ तो इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो अब जो है हमारा लॉक जो है वो लग गया, अब हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखो दोस्तों जो हमारा वो पासवर्ड है वो लग गया है। अब यहाँ पर जो हम टाइम देख रहे हैं दोस्तों ये 2:01 हमारा जो है टाइम है, अब 2:02 हो गया है। तो हमारा जो पासवर्ड है वो क्या होगा 0202। अब यहाँ पर जो है नीचे इसको इस पर साइड पर कर देंगे तो हम वही वाला पासवर्ड लगा देते हैं 0202। तो ये देखो दोस्तों जो हमारा पासवर्ड है वो ओपन हो चुका है। और उसके बाद नंबर 3 पर जिस सेटिंग हमने जगह दिया दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है। दोस्तों वो ये है कि क्या आप अपने नोटिफिकेशन से तंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है यूट्यूब यूज़ करूँ
और ऊपर से यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन कभी व्हाट्सएप के कभी फेसबुक के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, तो हम उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की जो है सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर आपको ऐप्स सर्च कर देना है। ऐप्स यहाँ पर जब आप ऐप्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे सारे ऐप्स जो है शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं किसी भी ऐप्स के जो नोटिफिकेशन है उनको ब्लॉक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है इसको फेसबुक के नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये फेसबुक पर आ जाता हूँ। जब मैं फेसबुक आऊँगा तो फिर यहाँ पर जो है नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, इसको क्या करना है, नोटिफिकेशन को यहाँ पर इसको आपने इनेबल होगी, इसको आपने अनेबल कर देना है, ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ अब जो है मुझे फेसबुक की नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेंगे। और उसके बाद नंबर 4 पर जिस सेटिंग हमने जगह दी दोस्तों, वो भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है और वो सैमसंग यूज़र के लिए दोस्तों, वो ये है कि आप अपने मोबाइल का फॉल्ट कैसे चेक करते हैं, या आप किसी से यूज़ मोबाइल लेते हो या किसी शॉप से लेते हो तो उसका आप फॉल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डायल पैड में चला जाना है और यहाँ पर एक कोड डायल करना है *#0*#। उसके बाद यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ का फॉल्ट चेक कर सकता हूँ। मसला कि यहाँ पर मैं अब ये टच देखता हूँ कैसे काम कर सकता है, तो इसको मैं यहाँ पर फुल भर देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है, सही तरीके से करता है या नहीं। तो ये देख सकते दोस्तों कि ये जो हमारा टच है वो सही तरह से काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं स्पीकर को चेक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ ये जो कलर है रेड, मैं चेक कर सकता हूँ कि यार ये जो कलर है ओरिजिनल दे रहा है या नहीं रेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कलर है वो भी ओरिजिनल दे रहा है। तो इसी तरह आप अपने सैमसंग मोबाइल का भी कोई भी फॉल्ट जो है चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 5 पर जिस सेटिंग को हमने जगह दी दोस्तों, वो भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है दोस्तों। वो ये है कि आपके मोबाइल में किसने क्या यूज़ किया है वो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दोस्त को मोबाइल देता हूँ तो उसके वो जो जब मुझे मोबाइल वापस देता है तो वो यहाँ से नहीं हिस्ट्री जो है इसको यहाँ से क्लियर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे दोस्त ने वो क्या यूज़ किया मेरे मोबाइल में। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने डायल पैड में चले जाना है। यहाँ पर आपने टाइप करना है *#*#4636#*#*#। जैसे भी ये टाइप करेंगे तो इस तरह के 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ये जो नंबर 2 पर ऑप्शन है यूजेज स्टेटिस्टिक, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते दोस्तों, मैंने अब MX Play यूज़ किया था तो उसका यहाँ पर टाइम भी और डेट भी आ रही है, फ़ोटो भी यूज़ किए थे तो उसका भी। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।